मोबाइल न्यूज़ 24 से मैं आदित्य सिंह। मेरे सामने बैठे हैं पवन शर्मा जी, जो शर्मा ब्राह्मण महासभा के महासचिव हैं। अब ये खुद बताएंगे कि इन्होंने पिछले दो दशक में क्या से क्या किए हैं, कहाँ तक लोगों की सहायता की है। पहले तो आपको सभी को राम राम, आप सभी भाई को राम राम। दूसरा, मैं पवन शर्मा, समाजसेवी और ब्राह्मण समाज का महासचिव पवन शर्मा। समाज सेवा में पिछले काफ़ी लंबे सफर से लगा हुआ हूँ मैं, और समाज के हर एक वर्ग की समस्या सुनता हूँ। जितनी भी मेरे पे होती है उतनी कर पाता हूँ, जो नहीं हो पाती है हमारे सांसद श्री रमेश धुरी जी के मार्गदर्शन से पूरा करने का प्रयास करता हूँ सबका मैं समस्याओं का। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल में हमने भी काफ़ी अपने क्षेत्र में काफ़ी हम मदद कर पाए लोगों की, और जितना भी हम पे हो पाया हमने सब कुछ संभव करा। हमने राशन देना, गाड़ी लगाई हमने घर तक पहुँचाने की उन लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी हेल्प करने में काम आए। अब मेरे सामने चंचल शर्मा खुद बताएंगी कि इन्होंने क्षेत्र में हस्बैंड के मार्गदर्शन पे या खुद अब तक कैसे कैसे किन किन समस्याओं में भागीदारी अपनी निभाई है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक जब एक हाउसवाइफ होती है और शादी के बाद जो पति होते हैं वो ही अपनी वाइफ को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ही वो वाइफ आगे बढ़ सकती है, वरना वो नहीं बढ़ सकती है। तो मेरे जीवन साथी, मेरे हस्बैंड पवन शर्मा जी ने मेरा पूरा दिल से साथ दिया है, मुझे सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में, और उनके सपोर्ट से ही मैंने 2017 में पर्चा भरा था BJP से पार्षद के लिए। और जैसे कि आपने पूछा कि उस समय हमें टिकट क्यों नहीं मिल पाई, तो उसका देखिए, सबसे पहले तो कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि किस्मत और मेहनत और सभी का साथ, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो मेहनत और साथ तो था, शायद उस समय हमारी किस्मत में नहीं था, बस मैं यही कहूँगी, इसी वजह से उस समय हम चूक गए जी। बिल्कुल, केजरीवाल जी की पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसान शराब ना देकर शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, और वो क्या कर रहे हैं कि जगह जगह शराब के ठेके खोल रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रदर्शन नहीं करेंगे महिलाएं तो कौन करेगा, आप भी बताइए। कि सबसे ज़्यादा परेशानी शराब के ठेकों से पुरुषों को नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपना पी के अपना सारा जो भी कमाते हैं वो सारा वहाँ पे खर्च कर देते हैं शराब लेने में। और जो हाउस वाइफ होती हैं बेचारी, उनको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं कि उनके बच्चे कई बार भूखे भी सो जाते हैं। तो केजरीवाल जी को ये शराब की दुकानें बंद करनी चाहिए। अब आने वाले नियम की चुनाव में समय ही बताएगा, चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आप पार्टी भ्रष्ट है या BJP एक मुद्दा बनाया हुआ है।